आप में से कितने हैं जो एग्री करते हैं कि आज का जो सेशन है उसका टॉपिक होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज, कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल कैसे बनाना है। बहुत बढ़िया, सब चाहते हैं। ठीक है जी, तो यही होगा आज के सेशन का टॉपिक कि अगर हमको अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो वो कैसे होगा। जब भी आप किसी से मिलते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? आई कॉन्टैक्ट, राइट? आई कॉन्टैक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारे फेस पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। स्माइल ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल स्माइल की डेफिनेशन क्या है? हंस के दिखाओ, कैसे होती है नॉर्मल स्माइल? ज्यादा हंस रहे हो आप लोग, कैसे? मतलब दांत दिखने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए? नहीं दिखने चाहिए। इन सब चीजों से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है, गो विद द फ्लो, समझ गए? इतना सोचोगे तो काम क्या करोगे? आगे दांत नहीं दिखने। ये सही है, ये थोड़ी ज्यादा हो रही है। नहीं, दांत नहीं दिखने चाहिए थे, उन्होंने संदीप सर ने बोला था, दांत नहीं दिखने चाहिए थे, तो क्या करूं? हंसना भी है तो कैसे हंसू? फंस जाओगे, इतना दिमाग मत लगाओ। मतलब सिंपल सा फंडा है, स्माइल होनी चाहिए जो नेचुरल होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कि अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो स्माइल थोड़ी लिमिट में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना सर, बचपन के चड्डी बड्डी आ गई। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी नेचुरल है, उस नेचुरल तरीके से हमको उतनी स्माइल हमारे फेस पे होनी चाहिए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी लैंग्वेज, फॉर अ पावरफुल बॉडी लैंग्वेज इज अ स्माइल। तो हल्की सी अगर आप स्माइल रखते हो अपने फेस पे, देख रहे हो मेरी स्माइल, देख रहे हो अच्छी है, थैंक यू सो मच। अब आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए? कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि जब आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो या तो बहुत ही ज्यादा कर देते हैं, विच मेक्स द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल। मैं अगर आपको ऐसे देखता रहूं, देखो थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लग रहा है? नहीं लग रहा है, लग रहा है, राइट? हाँ, मतलब वो घूरना हो गया। आई कॉन्टैक्ट का मतलब कुछ लोग ये निकाल लेते हो, बस देखते रहो सामने वाले को। सर ठीक कह रहे हो आप, सर जो भी पूछ रहे हो आप सब सही पूछ रहे हो सर, जॉब इंटरव्यू में गए, मतलब दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ आई कॉन्टैक्ट। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट में लोग क्या गलती करते हैं, नीचे देखने लग जाते हैं, बात हो रही है और ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस कॉन्वर्सेशन में। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट नहीं। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए सीधा, लेकिन बीच बीच में बात करते करते आपने हल्का सा इधर देखा, लेकिन नीचे नहीं देखा, मतलब हल्का सा इधर देखा फिर वापस से। अब ये डोंट मेक इट डेलिबरेट, नहीं तो बड़ा अजीब हो जाएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? खुद समझो इन चीजों को जो मैं कह रहा हूँ। मैं बारीकी से ऑब्जर्व करके आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप बात कर रहे हो तो हल्का सा बात करते करते इधर देख लिया, उधर देख लिया, वो चलता है। हाँ, लेकिन ऐसे भी जैसे इंटरव्यू में होता है ना, पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या आई लव पेंटिंग। ये ऐसा भयानक आई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, सामने वाले लोग डर जाएंगे। आई कॉन्टैक्ट शुड बी एक्सप्रेसिव, एक्सलेंट पॉइंट। मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर दे, ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो उस कॉन्वर्सेशन में। जैसे अभी आपने एक्जैक्टली बोला, बड़े अच्छे तरीके से बोला आपने। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमको समझना है कि अगर मैंने यहाँ से बोला कुछ तो इन्होंने इमीडिएटली बोला येस, एग्जैक्टली, मतलब दैट शोज दैट शी इज इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन। ये बोलती है, हाँ एग्जैक्टली, That shows कि भाई नहीं, she is not that interested in the conversation। कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मुंडी हिला सकते हो, हल्का सा आगे लीन कर सकते हो अगर कोई इंटरेस्टिंग बात हो रही है तो। That shows कि आप सामने वाले की बंदे की बातों में इंटरेस्टेड हो। जैसे अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो अगर आप ऐसे पीछे करके बैठे हुए हो तो दैट मीन्स कि भाई उखाड़ ले मेरा संदीप, तू क्या उखाड़ता है, तेरे बस का नहीं है, मैं ढीठ हूँ, तू बोलता रहे कर 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 कर, मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो एक एक्सप्रेशन ये है आपका कि ऐसे हो जाओ, एक है बिल्कुल स्टिफ होकर के बैठो, एक है हल्का सा आगे आपने लीन किया, और देन यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन व्हाट आई एम सेइंग। तो उस इंटरेस्ट से क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन होने लग जाती है बॉडी टू बॉडी, कि मैं कुछ नहीं भी बोल रहा तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो ब्लॉक नहीं हो रही है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आ गए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। स्माइल हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, आपने क्या बोला था, शेक हैंड,
ये हाथ कैसे शेक करते हैं? वार्म शेक। वार्म मतलब हाथ को गर्म करके जाओ इधर। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं ऐसा हैंड शेक करूंगा मार दूंगा, देखता हूँ मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा हिजाब के अंदर। करके दिखाओ, आओ। मेरे एक दोस्त है वो पता है कैसे करता है हैंडशेक। आ जाओ। वो ऐसे करता है, मतलब आपने भी देखा होगा इंडिया में ये बड़ा चलता है कि हैंडशेक करना है तो ऐसे, ठीक है, है ना? और भाई क्या हाल चाल, मेरा मन करता है जेब से 1 रुपया भैया, ठीक है ना? लोगों को ये किया और फिर उस दूसरे बंदे ने आकर के ऐसे हाथ ऊपर रख दिया। क्या हो रहा है ये, मतलब शादी के लिए कोई फेरे होने वाले हैं क्या है ये? तो ये नहीं है तरीका। तो कैसे करोगे हैंडशेक? हाय आई एम विवेक। अरे क्या बात है, सही है। मतलब दिस ग्रिप हैज टू बी फर्म, इट शुड नॉट बी टू टाइट, इट शुड नॉट बी लूज। मतलब ऐसे तो करना ही नहीं है जैसे जैसे होता है ना। क्या हाल है भाई, एक चीज है जो कभी मत करना, ऐसे करके यहाँ पे अंदर कुछ जाना। आपने देखा नहीं होगा मैंने क्या किया था, यहाँ करके ऐसे खुजाना इसका मतलब काफी गलत होता है। नेवर डू इट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और क्या पॉइंट है बताओ? मूवमेंट ऑफ हैंड्स व्हाइल स्पीकिंग सर। हाँ एक्सीलेंट पॉइंट, मतलब मूवमेंट ऑफ हैंड्स, क्योंकि आप जो बोल रहे होते हैं उसके वो तो मैं तो बहुत ही ज्यादा करता हूँ, है ना? कई बार आपको लगता होगा डांस हो चल रहा है या सेशन हो रहा है, लेकिन इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। जैसे जो चीज बोलनी है अगर मेरे को किसी पॉइंट पे एम्फोसाइज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, राइट? दैट मींस कि ये तो है ही है, ये तो होगा ही होगा। बट हैविंग सेड दैट, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा आप अपना हैंड मूव नहीं कर सकते, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। किसी को कुछ समझा रहे हो तो वहां पर आप कर सकते हो, तो डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन दैट यू आर सिटिंग इन। तो अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा आप अपना हैंड मूव करोगे तो वो भी अजीब हो जाएगा। उन्होंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या मैं क्या बताऊं आपको, पूछ लो जाकर के, किसी से भी पूछ लो, मेरे मोहल्ले में जाकर के आप पूछो मैं क्या हूं। तो ये सब नहीं, मतलब कि वहां पर तो आपको यू हैव टू सिट इन अ वे कि जहां पर यू नीड टू बी फॉर्मल, मतलब कि आपको हिलते नहीं रहना है। आपकी कुछ आदतें होंगी, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ आदतें होती है। जैसे कोई है, मैंने देखा है, मेरा एक कजिन है वो अपनी नाक को ऐसे करता रहता है, मतलब ये क्या है थोड़ी थोड़ी देर में, तो अगर ज्यादा गंदा लग रहा था अगर ये आपकी आदतें हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, कोशिश करो इन आदतों को ही बदल दो। या कुछ की होती है कि भाई ऐसे बैठे हैं इंटरव्यू में और अपने बाल से ऐसे ऐसे लड़कियां कर रही हैं, है ना? हाँ सर क्या कह रहे हो आप, अबे डेट पे नहीं आए ये क्या कर रही है, समझिए पैर हिलाना, ये ऐसे 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 ये पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, हाँ ये पेन वैन से खेलना हाथ में, हाँ या हाथ में पेन ले लिया उससे ऐसे 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 हिला रहे हैं पेन को, या कुछ भी, या फिर ये तो सबसे सबसे थकी हुई बॉडी लैंग्वेज होती है, ये अपने आप को डिफेंड करना, है ना? हाँ सर क्या मेरा नंबर कितनी देर में आने वाला है, 8 घंटे और वेट करना पड़ेगा, कोई नहीं कर लूंगा जी मैं तो आई इसीलिए। अरे क्या नाखून में ऐसा क्या है, तो ये हरकतें नहीं करनी है, ये सब हम करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर इंटरव्यू के टाइम पे नहीं करनी, मैं कह रहा हूं बाहर भी नहीं करनी है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको ये अंदर की बातें हैं, बाहर आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और अंदर देखा जा रहा होता है। वो एक अलग टीम होती है जो ऑब्जर्व कर रही होती है कि आप बाहर क्या कर रहे हो, कितने कॉन्शियस, और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो बाहर तो आप अंदर भी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। ये मत समझो जोन 1 सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा, बाहर आप कॉन्फिडेंस से बैठे हो बड़े आराम से, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जब आप अंदर जाओगे तो वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, बाहर डरे हुए होगे तो अंदर भी ऐसी। और ऐसे लीन मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठना अवॉइड करो, हमेशा कोशिश करो जब कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का मतलब दैट स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट, उससे क्या है ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होती है, आपकी ब्रेन तक ब्लड प्रॉपरली पहुंचता है। Sir, I must say you are a very good actor. बहुत अच्छे से। तो मैं चेंज कर रहा हूँ अपना ये जो दादा है। जो लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे ना कि वैसे जो लोगों के साथ। ये आप कैसे कह सकते हो? आप बोल रहे हो अभी आपको पता क्या है कि मैं कितना एरोगेंट हूँ? देखूंगा भी नहीं आप लोगों को।
क्या लगा रहे हो, एक बार स्टार बनने को दो. Yes, kidding, yeah. हाँ. You are already star. Thank you. आगे बढ़ते हैं. ये जो पोस्चर है, that matters a lot. कि आप किस तरह से बैठे हो. अभी ध्यान से अपने पोस्चर को ऑब्जर्व करो. चेंज मत करना, लेकिन अपने पोस्चर को आप ऑब्जर्व करो. आप लोग कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो. ये पोस्चर सबसे खतरनाक है. इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में. आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो. मुझे जलील कर रहे हो सबके सामने, वो भी कैमरे में. ब्लॉकिंग पोज बोलते हैं इसको. डिफेंसिव अप्रोच. दिस इज डिफेंसिव अप्रोच. ये देख रहे हो, लड़कियों में फिर भी चल जाता है, पर लड़कों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लड़कियों में तो सिखाया जाता है दीज आर मैनरिज्म्स और ये वो, बट आप इसकी भी अलावा थोड़ा सा आप कंफर्टेबल और कोई पोज अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो. दिस इज अ बेटर पोज इवन फॉर गर्ल्स. मेल चाहें तो थोड़ा सा अपने पैरों को खोल भी सकते हैं, दैट इज ओके. बहुत ज़्यादा नहीं करके नहीं दिखाऊंगा. हाँ, तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं. तो ये ब्लॉकिंग पोजेस नहीं बनाने हैं, हम ब्लॉक कर रहे होते हैं. जैसे ही आप डिफेंसिव हो जाते हो, दैट मींस आप डर गए. हमारे पास ना एक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डर करके एक्ट करो, या फिर आप कॉन्फिडेंस से एक्ट करो. जहां आप इस तरीके से बैठे और ये आपने किया, या इस तरीके से आपने हाथों को फोल्ड कर दिया, या ऐसे करके बैठ गए, तो समझ जाओ कि आपने एक डिफेंसिव अप्रोच ले लिया. होता है ना, दो तरह का अप्रोच होता है ना. अभी दंगल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, क्या होता है, एक बोलता है डिफेंस कर, डिफेंस कर, डिफेंस कर, दूसरा उसका बाप बोल रहा होता है अटैक कर, अटैक कर, अटैक कर. समझे? तो यहां पे ना आपको अटैक करना है ना डिफेंड करना है. अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज अलग टाइप की होती है. दैट मींस कि आप ऐसे किसी को उंगली दिखा रहे हो. आपने कभी नोट किया होगा, मैं ऐसे कभी नहीं करता हूं अपने सेशंस में. ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं. इट इज नॉट कि तेरे को तो ये देखता हूं कैसे नहीं. समझ गए, दिस इज एग्रेसिव. एक है डरा हुआ, ऐसे मेरी कभी आपने बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी होगी. बताइए जी क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल है आप लोगों को, क्या चाहते हो मुझसे. और कॉन्शियस होता चला जा रहा हूं. हाँ पूछ लो, मेरे पास तो सारे सवालों के जवाब. बॉडी लैंग्वेज से ही मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, मैं ऐसा बड़ा समझदार हूँ. तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है. यू मस्ट बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड. आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मसल्स हैं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड है. आप बड़े आराम से ऐसे बैठे हुए. उससे क्या होता है, जो स्पीकर है उससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है. आपने नोट नहीं किया होगा, लेकिन अगर ध्यान से नोट किया हो, यहाँ पर जो मेरा आई कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, जिन लोगों से हो रहा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनके फेस के एक्सप्रेशन है, वो ऐसे हैं कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें. चाहे नहीं भी हो रहे हो, अंदर अपना कुछ और ही सोच रहे हो, उनका ब्रेकअप हुआ उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन बाहर से वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हल्का सा आगे की तरफ लीन हुए पड़े हैं, हल्का सा ऐसे हो रहे हैं, तो मैं उनके साथ में इन्वॉल्व हूँ. तो हुआ क्या, मेरा उनका कनेक्शन बन गया. तो ऐसे ही अगर आप कहीं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर उनका और आपका कनेक्शन बन जाए, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो वो आपके अंदर से होना चाहिए, कि इंटरेस्ट शो होना चाहिए, कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन वॉट एवर इज गोइंग ऑन हियर. तो अगर वो मेरे को नजर आएगा तो क्या होगा, मेरा और आपका एक कनेक्शन बन जाएगा. जैसे अगर अभी मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा किससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बना हुआ है, एक आपसे बना हुआ है. आपने नोट किया है? एक्चुअली ना मेरी प्रॉब्लम है मतलब बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड ही. अभी मैंने अपना स्पेक्स उतार दिया क्योंकि मुझे पता था आई कांटेक्ट होगा, और अगर मैंने स्पेक्स लगा लिया तो मैं ये ऑब्जर्व करने लग जाऊंगी कि आप मुझे क्या मतलब किस तरह की बॉडी लैंग्वेज एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो मैं वहां पे फंस जाती हूँ, फिर मैं नहीं समझ पाती कि आप क्या बोल रहे हो. तो आप मुझे देख ही नहीं रहे इतनी देर से. ओए ये क्या हुआ है, ये कितने हैं, दूसरी बार करा ना तो तब आप पहचान गए. आज मेरा बड़ा सही कटाया. मेरा जिससे आई कॉन्टैक्ट था उसका मुझसे आई कॉन्टैक्ट नहीं था. चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. एक आध घंटे के इंटरव्यू में क्या पता लगता है काम में कौन कितना बढ़िया है, कौन कितना बढ़िया नहीं है. 3 साल का एक्सपीरियंस को एक घंटे में कैसे दिखा देगा. तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, कॉन्फिडेंस.